हिम्मत नहीं हुई। आज मैं 100-150 लोगों के सामने बोल सकता हूँ मैं फाइल्स के रिजल्ट पे काम करता हूँ, परंतु वहां पर इनको मैं झूठ बोलता हूँ। अब मिले पूरे जियादाजी साहब, कैसे आए साहब? ऐसे आगे घूमने के लिए हमारे कोई स्टाफ लड़के फाइल्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके टेबलेट को डॉक्टर साहब ने दिया, वहाँ मैं झूठ बोला। तो रियलिटी है भाई साहब, सब पूछ सकते हो बात। तो साहब इन्होंने कहा यार उन्हें भी दूसरे के ले जा रहे हो, तो वैसे तो हम 360 रुपये ही देते हैं, पर आप दूसरे के ले जा रहे हो और आप मिलने वाले आदमी हो, 2 रुपये आप कमाओ। बोला साहब कमाने का सिस्टम क्या है वो बताओ आप। इन्होंने बोला 25 रुपये की KYC फॉर्म होगा, वो आप भरो और आपको यह 360 का प्रोडक्ट हम 250 में ही दे देंगे, पहले 235 में आता है। तो साहब मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगाई, 25 और 235 मिला के 260 बोले थे, 100 रुपये से दे रहे हो, मैं लेट मत हो। मैं क्या देना क्या है भाई साहब? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और फोटो। आधार कार्ड और फोटो जेब में पड़ी थी, मैं क्या पैन कार्ड में आपको फोन से मैसेज कर दूंगा सर। क्या ठीक है साहब? हाँ तो आप इन्होंने बहुत बहुत गड़ी बताई, बहुत बड़े बनाए, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे क्या लेनी थी फाइल्स की डेट। भाई जो चीज़ चाहिए उसी को तो बोलेगा आदमी और वही काम करेगा। तो साहब ईमानदारी की बात है, शाम को वो टेबलेट थी, सुबह नॉर्मल टेबलेट, 3-4 दिन तक हालत खराब हुई। अगले दिन ली, तीसरे टाइम तो मुझे इतना रिलीफ हो गया, मेरे ब्लडिंग और की हेवी ब्लडिंग बिल्कुल बंद हो गई। इनको मैंने और मैं मेडिकल में ही काम कर रहा था, 3 दिन का एक कोर्स खाते थे, मैंने 6 टेबलेट खाई मात्र में बिल्कुल ठीक हो गई। किसी को आप कहे नहीं कि 6 टेबलेट मार कोई ठीक नहीं होगा, मेरे 3-4 दिन ही होते फर्स्ट स्टेज में ही जाकर ले लिया, तो 6 टेबलेट रिलीफ हो गए। और उस रिजल्ट के ऊपर अब मैं इनको नहीं बोला कि 6 टेबलेट में ठीक हो गया, मतलब ही नहीं है, अपना काम हो गया। अब मैंने वो 24 टेबलेट जो बची वो कर ले जाके डाल, मेरी मदर की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उसमें चित्र आता है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने कहा ये काय की गोली है। मैंने कहा ये तो कोई ऐसे ऐसे मेरे फोन मारने लगे थे, यही बोला था मदर से बात भी नहीं करते। उन्होंने कहा मैं ले लूँ, क्या ले लो भाई आपको, उन्होंने कहा 4 गोली ली और वो बची जो 20 टेबलेट थी मेरी सिस्टर है किशनगढ़ में, उन्हें भिजवा दी। और 15 दिन बाद में सिस्टर का कॉल आता है मेरे पास कि मेरी एक ननद के भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो मस्से वाली, उन्होंने 2 पैकेट मंगवाए। और मेरा दिमाग फटका, मैंने कहा यार अपने तो बढ़िया काम ले, तो अपने फायदा सिस्टर को दिया किसने मुझे पता ही नहीं था। मैंने पूछा कि मम्मी दी थी, चलो ठीक है साहब। मैंने भाई साहब से कॉल लगाया, मैंने 5 पैकेट चाहिए साहब कैसे भेजो, और मैं उस टाइम मेरे तश्री जा चुका था, क्योंकि उस दौरान हमारा क्या ब्लॉक चेंज हो चुका था। अब मेरता सिटी में इन्होंने कहा यार आप जयपुर आओ ऐसे वैसे, मैंने कहा साहब आप गाड़ी में लगा दो, इन्होंने 5 पैकेट गाड़ी में लगा दिए, मैंने वहाँ भिजवा दिया। तो उस दौरान मुझे 500 रुपये की इनकम वो हुई, तो मैंने यार चीज में तो कम है, ऐसा तो आ रहा है, लोगों का रिजल्ट आ रहा है। इन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, एक दिन हम बैठे थे यशवीर जी के दिल्ली में, वहाँ बैठे बैठे देखा कि लोग बाग 1,10,000 का माल आउटलेट का पे हो रहा है, जो बंदा मेरे साथ ही कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। मेरे दिमाग की बत्ती जली, मैंने कहा यार अपन कहाँ छोटे मोटे, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत